हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं और वो है एडिशन। अब एक तरह से थोड़ा थोड़ा हम फॉर्मूलों का काम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से। बहुत लाइट लेवल के फॉर्मूले मैं जो है बेसिक एक्सेल कोर्स में आपको करवा रहा हूँ, जस्ट ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से फॉर्मूलोज पे काम किया जाता है। बाकी जो ज़्यादा डिटेल्ड वर्किंग है वो तो हम एडवांस एक्सेल के कोर्स में ही करेंगे, बट ऑफिस में नॉर्मली जितना मैं इस कोर्स में करवा रहा हूँ बेसिक एक्सेल कोर्स में उतना ही यूज़ होता है। अनलेस कि बिल्कुल एक्सेल बेस्ड ही जॉब हो कोई टिपिकल, तो बात अलग है, और अदरवाइज तो रूटीन में इतना ही ज़रूरत है। इसीलिए हमने इसको बेसिक एक्सेल कोर्स और एडवांस एक्सेल में डिवाइड करके उसको अलग रखा है, और अकाउंटिंग एंड ई टैक्सेशन में मेनली हम बेसिक एक्सेल कोर्स ही करवा रहे हैं। तो खैर, अभी इसमें हम आपको एडिशन के बारे में बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे एक सबसे पहले है कि एडिशन करने में ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक बटन है सिर्फ एक्सेल शीट के ऊपर, आपको ऊपर ही नज़र आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एक तरह से उसमें फॉर्मूला क्रिएटेड है। जैसे बोल्ड नहीं था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, बोल्ड नहीं था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बी प्रेस करो बोल्ड हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें तो इवन ढंग से देखा जाए तो डेटा सेलेक्ट भी नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर आपको कुछ कॉलम के नंबर्स को सेलेक्ट करना है तो उसके नेक्स्ट नंबर पे जाके जहां आपको टोटल लिखना है वहां जाके बस आप ऑटो सम बटन दबा दीजिए। ये ऑटो सम क्या होता है, ये देखिए, ये है ना ऑटो सम, बस इसको आपने क्लिक करना है, खत्म, अपना हो जाएगा। मैं वो करके दिखाऊं। अब जैसे ये है डेटा 34 46 78 12 48 39 34, ये तो फिर भी थोड़ा है, आपको सर कैलकुलेटर से भी हो सकता है। फिर वही बात आई, अगर हजारों डेटा हो तो उसको कैलकुलेट करने में मुश्किल आएगी, सपोज टोटलिंग करनी हो। तो ऐसे में क्या करना है, जो कॉलम आपको टोटल करना है उसके लास्ट, यहाँ पर आप चाहिए ना टोटल आपको, तो यहाँ पहुँच के आपने लिखा, उससे नेक्स्ट कॉलम आपने सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ जाके आपने ऑटो सम क्लिक किया और उस पर एंटर मारा। अब आप देख रहे हैं ये आ गया आंसर आपका 291। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, सही है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको असाइनमेंट में, आप देखेंगे तो एक ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 और 4 को आप ऐड करके देखो, तो ये 2 का डेटा दिया हुआ है, वो मैंने खैर टाइप किया हुआ, रो वाइज भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो अब जैसे ये इसको आपने करना है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ जाना है एक बार प्रोसेस, ये पहले आपने टाइप कर लिया, सपोज मुझे यहाँ टोटल चाहिए, मैं इस कॉलम में टोटल चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर ऑटो सम को किया मैंने दबाया और अपने आप इसने फॉर्मूला उठा लिया और मैंने एंटर किया, बस मेरे पास आंसर मेरा तैयार आ गया। ऐसे रो में 78 प्लस 45 प्लस 79 प्लस 23 प्लस 56 प्लस 52, मुझे चाहिए ये आंसर यहाँ आ जाए, यहाँ गया मैं, मैंने ऑटो सम प्रेस किया, एंटर किया, ये मेरा आंसर आ गया। अब अगर मैं चाहूँ, क्योंकि इसमें गैप नहीं है, तो मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। ड्रैग करने से ये इसी इसी प्रोसेस से मेरे को यहाँ भी टोटल देगा, ये मैं अगर इसको ड्रैग कर दूँ तो बिना कुछ करे ही ये मेरे को आंसर दे देगा। ये भी ब्यूटी है एक्सेल की। सपोज मैंने एक रो को ऐड किया, मेरे पास ऐसी और बहुत सारी रोज है, तो मुझे बार बार वो फॉर्मूला भी नहीं लगाना, मतलब वो इवन वो एंटर करने का जहमत भी नहीं उठाना, मैं सिंपल फॉर्मूले को इनडायरेक्टली ड्रैग कर दूँ। क्या किया मैंने, यहाँ पर जो आंसर आ रखा था सिर्फ उसको पकड़ के ड्रैग किया, तो एक्सेल समझ गया कि आप यहाँ पर भी वही करना चाहते हो, तो उसने आंसर दे दिया। और मुझे क्या बताऊँ, अब ये कॉलम आपका 5th खाली है। अब जैसे मान लेते हैं मैंने इसको भी सेम वे में, जैसे इसको मैंने यहाँ ड्रैग किया था, अब मैंने इसको और आगे भी ड्रैग कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं इसका आंसर जो है वो 0 आ गया, क्योंकि यहाँ कोई फिगर नहीं है, लेकिन मैंने सपोज यहाँ पे फिगर डाली 10, तो जैसे ही मैं आगे कॉलम में जाऊँगा वो टोटल दिखा रहा है 10। अब मैंने कहा 20, जैसे मैं आगे जाऊँगा वो टोटल दिखा रहा है 30, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मुझे इस रेंज, इस सेल से, ये सेल कौन सा है, ये सेल है मेरा C16, दिस इज द नेम बॉक्स, ये सेल कौन सा है, दिस इज D16, तो ये C16 से लेके ये H16 तक इसने टोटलिंग करनी है, ये इसको पता है, और ये उस चीज़ को करे जा रहा है, करे जा रहा है। पहले रो 14 के लिए किया, फिर रो 15 के लिए किया, अब रो 16 के लिए कर रहा है। देख रहे हैं आप, 10 और 20 लिखा अपने आप ऑटोमेटिकली 30 आया। अब मैं यहाँ पे अगर 40 लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको बढ़ाकर 70 कर लेगा, लाइक दैट, इट्स अ ब्यूटी। तो कितना इजी है एक्सेल के अंदर एडिशन करना, आप सोचिए कैलकुलेटर पे उस चीज़ में ही हमें कितनी कितनी देर लग जाती है। इसमें क्या है, अगर डेटा एंटर्ड है आपको एडिशन करनी है, सो सिंपल, आपने सिंपल ऑटो सम दबाना है, होगी। लेकिन वो बात अलग है कि जो अभी मैंने आपको सिखाया वो तभी संभव है ऑटो सम से इजीली, जब ये एकदम सीधे सीधे कॉलम में है या सीधे सीधे रो में है। अब अगर फिगरें बिखरी पड़ी हों तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। खैर, अगर हमें ऑटो सम एक साथ भी करना हो, तो जैसे ये मैंने ये भी एक चीज़ बताई हुई है, लास्ट में आप देखेंगे ये आपको असाइनमेंट जो मिला हुआ है इसमें है कि हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज ऑटो सम ऑन मोर देन वन सेल एट ए टाइम। फिर मैंने ये 6th एंड 7th आपका केस बनाया। अब जैसे ये दो हैं, है ना, इनका मुझे एक साथ ऑटो सम करना है, तो मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके भी ऑटो सम कर सकता हूँ। हो गया, इस बार तो इसने वो एंटर भी नहीं करवाया मेरे से, वैसे ही ले लिया।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल एक कमांड बस पता होनी चाहिए। आई थिंक देखा जाए तो इस दुनिया में नॉलेज क्या है, मैं कई बार सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज इज़ नथिंग बट विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, मीटिंग डिफरेंट पर्सन्स, गोइंग थ्रू डिफरेंट थिंग्स, दैट इज़ नॉलेज। सब कुछ ही आमतौर पर आसान होता है, नहीं आपको सिर्फ देखना होता है। अब जैसे अगर किसी ने एक्सेल नहीं सीखी हुई, उसको बोलो एडिशन कर, तो शायद उसको नहीं पता होगा। आपने एक बार मेरी ये वीडियो देख लिया, किसी से पूछ लिया, ऐसा नहीं कि सारा ज्ञान सिर्फ इस वीडियो से ही मिल रहा है। फ्रैंकली मैं इतना क्लेम नहीं करना चाहता, महान मैं नहीं हूँ जो आपको बता रहा हूँ, महान वो है जिसने इसको बनाया, है ना। दुनिया में भी हम यही कहते हैं ना, महान हर चीज़ों को, तो जिसने बनाई वो ज़्यादा महान है। जैसे सागर महान है, जिसने सागर को बनाया वो उससे भी बड़ा महान है। तो ऐसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा ज्ञान है, मैंने कहीं से ज्ञान लेके आपको बताया, लेकिन देखा जाए तो जिसने बनाया इसीलिए तो फिर उसको महान मानते हैं ना। जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई है, बिल गेट्स, उसको बोलते नहीं महान, क्योंकि उसने इतनी पावरफुल चीज़ें बनाई हुई हैं। और मतलब एक सॉफ्टवेयर खरीद के आप कितना काम करते रहिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। खैर एनीवेज, और आगे बढ़ते हैं हमारे असाइनमेंट के हिसाब से, हमने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या रह गया। अगर हम ऊपर से चलें तो हमने ऑटो सम सीख लिया, और ड्रैग करके फॉर्मूला हमने उसको भी ट्राई करके देख लिया अपनी फिगर्स क्रिएट करके, और ऑटो सम ऑन मोर देन वन सेल एट ए टाइम, हमने ये वाला फिर जो फीचर है, फंक्शन है, ये भी सीख लिया। अब है ऐड टू और मोर नंबर्स इन वन सेल। इसमें ना ये फॉर्मूले का चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज आपको वैसे भी कुछ करना हो तो इसमें फॉर्मूला ना हर चीज़ इज इक्वल टू करके चलता है। ये देखिए ना, इज इक्वल टू करते ही यहाँ पर इज इक्वल टू आ गया, तो ये फॉर्मूला है। अब सपोज मैंने कहा कि मुझे 40 + 30 को आप ऐड करके बताइए, तो ये अपने आप बोल देगा सर 70। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेटर भी एक्सेल के अंदर सामने ही पड़ा हुआ है, अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि उसमें ऑलरेडी है। मैंने आपके सामने भी तो किया है ना, एक बार और ट्राई करके देख लें। सपोज 50 + 10 = 60 आएगा, तो इज इक्वल टू लगा के करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको। 50 + 10, अब मैंने इसको एंटर किया, ये 60 आ गया। सपोज दो अलग अलग फिगर्स को हमने ऐड करना है, वो भी कर सकते हैं जो इसके आगे है। अगर मैं असाइनमेंट आपको दिखाऊं तो इसमें है ना ऐड नंबर्स यूजिंग सेल रेफरेंस, तो ये भी काम का होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ ये यहाँ पर हमने वो कहीं अलग से ले लेते हैं, यहाँ पर हमने सपोज ये फिगर का टोटल लेना है इज इक्वल टू। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों का टोटल पता चले, दिस, तो ये देखिए अपने आप ले लिया इसने ये B12, बात समझ में आ रही है। तो मैंने इसको किया प्लस, और मुझे किसका प्लस करना है, मुझे इनका प्लस करना है 398। अब मैंने इसको एंटर किया तो ये मुझे बता रहा है 689, है ना, ब्यूटीफुल है ना। ऐसे मुझे इन दोनों सेल्स का करना हो, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैंने सपोज इन दोनों का टोटल यहाँ लेना है सपोज, है ना, तो मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू। अब मैंने ये किया तो ये अपने आप उठा लिया इसने K8। फिर मैंने कहा भाई इसको प्लस कर दे, किसके साथ प्लस करूँ, इसके साथ प्लस कर दे। इसने लिख दिया, मैंने एंटर किया, इसने मुझे टोटल दे दिया 248, है ना। मज़ेदार, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, थोड़ी सी, एक बार असाइनमेंट गो थ्रू करना है, एक बार थोड़ा सा खेलना है। मैं तो खेलना ही बोलता हूँ एक्सेल के साथ, इतना इंटरेस्टिंग है। कोई भी चीज़ जो लर्निंग हो और इंटरेस्टिंग हो तो मुझे लगता है कि हमें मज़ा आता है उसको करने में। तो इसलिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन्स आपको असाइनमेंट में कंपाइल करके दी हुई हैं, आप उनको पढ़ते जाएं, करते जाएं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। तो इसको आप चेंज करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई खास, मतलब इट इज़ सो ईजी, मतलब अब क्या बताऊँ, इसमें एडिशन में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमारा जो है क्विक टोटल, हाँ ये एक पॉइंट है इसके अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। क्या है कि हमारे को क्विक टोटल लेना है फ्रॉम अ रो और अ कॉलम, है ना। तो उसके लिए आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे तो वो नीचे खुद ही दिखता है, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो जैसे माना मैंने सपोज इसको सेलेक्ट किया, राइट, तो अगर आप देख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ ये इसका एवरेज भी निकाल के दे रहा है, काउंट भी बता रहा है कि 7 फिगर्स हैं, और सम भी बता रहा है। वैसे ये 398 हमने निकाला हुआ, ये यहाँ पर भी निकला है। ऐसे आप देखेंगे इसको मैंने ये सेलेक्ट किया तो दिखा रहा है इसका एवरेज 49.66667 है, काउंट 3 है, सम 149 है। ऐसे किसी को भी दिखाएगा ये, है ना, ये दिखाया एवरेज 55.5 है, काउंट 6 है और सम 333 है। तो कई बार तो अगर आपको सिंपल उसको शो नहीं करना, देखना ही है, तो सिंपल आप उसको बस सेलेक्ट कर लीजिए, एवरेज, काउंट, नम, टोटल सब बता रहा है। इतना फास्ट है एक्सेल, है ना, इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है, एंड डेफिनेटली यूजफुल भी है, राइट। थैंक यू।